बुलडोजर वापस चला गया, कोई तो जाना ही था, वो तो जाना ही था। जब आप बताएंगे नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो प्राइवेट वाइट वॉश करा रहा है उस पर आगे खड़े हो गए, कहने लगे इलीगल स्ट्रक्चर है ये, तो आप बताएं कहाँ इलीगल, आप दिखाएं कहाँ पे ले एक आदमी अपने वाइट वॉश करा रहा है। अभी जो यहाँ बुलडोजर आया था, हमारे विधायक जी, लोकप्रिय विधायक जी अमानत भाई आए हैं, उन्होंने उसे यहाँ से वापस कर दिया है बुलडोजर को। सिर्फ जो बाहर एक बिल्डिंग के बाहर जो कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी उसको उन्होंने हटाया और बुलडोजर यहां से वापस जा चुका है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं इन बीजेपी के लोगों से कि ये सबसे पहले अपने दिमाग का अतिक्रमण हटाएं, ये सबसे पहले अपने घरों के बाहर का अतिक्रमण हटाएं। अगर इन्हें अतिक्रमण हटाना है तो जो बीजेपी की बिल्डिंग है, जो 1857 के शहीद हैं, जिन शहीदों के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है, उस बिल्डिंग को हटाने का काम करें तो ये अतिक्रमण भी हटेगा, भ्रष्टाचार भी हटेगा, सांप्रदायिकता भी हटेगी और देश से भूखमरी भी हटेगी, बेरोजगारी भी हटेगी। अगर इन्हें हटाना ही है तो मेरा यही कहना है कि ये बीजेपी वाले अपने दिमाग को साफ करने का काम करें और ये दिल्ली का जो माहौल खराब करना चाहते हैं, इनका जो एक ही नारा हमेशा शुरू से रहा है कि डिवाइडेड रूल, और उसी नारे पे ये काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब इन्होंने 15 साल तक सिर्फ एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार किया, आपने देखा जो एमसीडी के अंदर क्या है, वो दवाई घोटाला रहा हो या हाउस टैक्स का घोटाला रहा हो या उसके अलावा आपने देखा कि एमसीडीओ की जमीनों को इन्होंने किस तरह से बेचने का काम किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आज हाई वोल्टेज ड्रामा एमसीडी का, यहाँ पर आ कोई इंक्रोचमेंट किसी भी तरह का नहीं था, पूरे रोड नंबर 13A पे इंक्रोचमेंट नहीं था और इंक्रोचमेंट मिला भी नहीं, एक रिमूवल इंक्रोचमेंट रिनोवेशन कर रहे थे, लोग अपने घर का रिनोवेशन करना चाह रहे थे, उस पेड़ को हटाया और आज एमसीडी ने हाई वोल्टेज ड्रामा सुबह से रखा यहाँ पे तमाम जनता और तमाम लोग, क्योंकि इस रोड पे इंक्रोचमेंट है ही नहीं किसी भी तरह का। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे इनको अरेंजमेंट में? देखिए ये जो एमसीडी बता रही है इसको इलीगल स्ट्रक्चर बता रही है, बेसिकली वो इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक साहब अपनी बिल्डिंग पे वाइट वॉश करा रहे थे, उसको मेंटेनेंस करा रहे थे, तो वो पेड़ बांधी हुई थी, उसी पेड़ को इन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। विधायक जी ने 3 दिन पहले इसको सबको हालत को साफ कराया था, विधायक जी ने आगे बात करी आला अधिकारी से, आप बताएं हमें कौन सा इलीगल स्ट्रक्चर है, हम खुद तोड़वाएंगे। अब उसको जो प्राइवेट काम करा रहा है, अपना वाइट वॉश करा रहा है, उसको भी इलीगल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम शाहीन बाग को जबरदस्ती हाईलाइट कर रहे हैं। 3 दिन पहले बेसिकली विधायक जी ने सारा रास्ता खुद साफ करवाया है, PWD का रास्ता है, विधायक जी कह रहे हैं हमें बताइए कहाँ ये रास्ता हमारा है, और जबरदस्ती आप इसे थोपने की कोशिश कर रहे हैं शाहीन बाग को, आप बताइए ना, बताने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील साहब, बुलडोजर वापस चला गया, कोई तो जाना ही था, वो तो जाना ही था। जब आप बताएंगे नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो प्राइवेट वाइट वॉश करा रहा है उस पर आगे खड़े हो गए, कहने लगे इलीगल स्ट्रक्चर है ये, तो आप बताएं कहाँ इलीगल, आप दिखाएं कहाँ पे ले एक आदमी अपने वाइट वॉश करा रहा है।